अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लें, और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए फेसबुक पेज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाएं। साथ ही अगर इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक पर जाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, उसके मतलब और प्रभाव। मुद्दा क्या है? यरूशलेम या जेरूशलम इंग्लिश में इसराइल और अरब के देशों के बीच कई दशकों से नाक का सवाल बना हुआ है। वैसे तो यह झगड़ा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने को लेकर और कब्जे को लेकर है, जहां पर फिलिस्तीन को सभी अरबी देशों का समर्थन प्राप्त है और इसराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। मुख्य विवाद इस जगह को लेकर इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम धर्म का एक पवित्र स्थान है, जहाँ मुस्लिम समुदाय निर्विवाद और उन्मुक्त यानी फ्री एक्सेस चाहता है, पर इसराइल को इसे अपनी संप्रभुता पर एक खतरे के रूप में देखता है। इसलिए आइए हम इसके मैप पर इसकी स्थिति जानते हैं। ये पूरा इसराइल है, ये छोटी सी जगह है, ये है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच ही ये यरूशलेम को लेकर मुख्य विवाद है ये वाला। तो यहाँ पे आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, ये इसराइल और फिलिस्तीन और इसराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से या अरेबिक नेशन से घिरा हुआ है। अरेबिक नेशन जैसे कि है इजिप्ट, लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और ये फिलिस्तीन। वहीं फिलिस्तीन यहाँ पर कोने में एक छोटा सा स्थान है जो देश का दर्जा पाने के लिए संघर्षरत है, जहाँ तक फिलिस्तीन का सवाल है तो इसे दुनिया में भारत सहित कई देशों ने संप्रभु देश का दर्जा दे दिया है, पर कुछ बड़े देश जैसे अमेरिका, जापान इत्यादि सहित संयुक्त राष्ट्र ने भी अमेरिका के प्रभाव के चलते इसको एक नॉन स्टेट ऑब्जर्वर का दर्जा ही दिया है। बस विवाद खड़ा होने की मुख्य वजह, अभी तक ये विवाद काफ़ी हद तक इसराइल और फिलिस्तीन के बीच सीमित था, जिसमें अरब के देश और अमेरिका अपने अपने पक्ष की तरफ से बैकग्राउंड से खेल रहे थे। पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवाद को यह कहकर हवा दे दी कि अमेरिका अपना दूतावास जल्द ही तेल अवीव, जो कि इसराइल की राजधानी है, से स्थानांतरित करके नई राजधानी यरूशलेम में ले जाएगा। इस विवाद में कुछ और देश जैसे कि चेक गणराज्य, घाना इत्यादि कूद गए और मुद्दा गर्म हो गया। अमेरिका ने तो UN में यरूशलेम का इसराइल की राजधानी वाले केस के समर्थन में एक बिल भी पेश किया जो कि पास ना हो सका। आपको याद हो कि भारत ने इस बिल के विरुद्ध यानी अमेरिका इसराइल गठबंधन के विरुद्ध वोटिंग किया था। विवाद तो पहले से ही है, फिर नया क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सहित दुनिया के कई देश इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण एवं द्विपक्षीय हल चाहते हैं, और इसलिए वैश्विक स्तर पर इस प्रपोजल पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि यरूशलेम को इसराइल और फिलिस्तीन दोनों की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी जाए, और इस प्रपोजल को काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। UN यानी संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन दिया है, पर रूस ने तो 2017 में ही आधिकारिक रूप से पूर्वी यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी। इसी प्रकार चाइना ने भी पूर्वी यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे रखी है। पर असल विवाद तो पश्चिमी यरूशलेम को लेकर है, जिस पर इसराइल का कब्जा है।
अब ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देकर विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अमेरिका के लिए इसराइल का महत्व। जैसा कि हम मैप में इसराइल की स्थिति देखकर यह आसानी से कह सकते हैं कि इसराइल एक महत्वपूर्ण सामरिक देश है। इसराइल लाल सागर यानी रेड सी और स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर के करीब का देश है, और स्वेज नहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, और व्यापारिक मार्गों पर मजबूत पकड़ अमेरिका की हमेशा से ही एक मुख्य पॉलिसी रही है, तो इसराइल से अच्छा संबंध रखना एक मुख्य ज़रूरत बन जाता है। इसराइल अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी और एक अच्छा ग्राहक भी है, तो जिसे अमेरिका ने नाटो के देशों जितनी सहूलियतें दे रखी हैं, इस वजह से हमेशा से ही अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया है। तीसरा, इसराइल के सहयोग से अमेरिका न केवल खाड़ी के देशों पर अपनी मजबूत पकड़ रखता है, बल्कि रूस के साथ विवाद की स्थिति में इसराइल को एक मजबूत सैन्य बेस और सहयोगी के रूप में भी देखता आया है। और यहाँ पर बताते चलें कि इसराइल को नाटो के सदस्यों जितनी सहूलियत तो है, पर इसराइल नाटो का सदस्य नहीं है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि खाड़ी के देशों में भी अमेरिका का महत्वपूर्ण हित सत्ता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की कंपनियों ने काफ़ी मात्रा में निवेश कर रखा है, और यहाँ मिलने वाले तेल गैस से अमेरिका का जो लालच है वो तो किसी से छुपा नहीं है। इस वजह से अमेरिका की सरकार का खाड़ी देशों के प्रति रवैया काफ़ी नरम दिखता है, और शायद यही वजह रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने एम्बेसी वाले मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा। अब भारत का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड रहा है? भारत विश्व शांति चाहता है, इसलिए एक शांतिपूर्ण मध्यम मार्ग पर जोर देता आया है। भारत ने अभी हाल ही में संपन्न अमेरिका इसराइल समर्थित बिल के विरुद्ध में वोटिंग की, और इससे यह जाहिर भी कर दिया कि वह किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं होना चाहता और दोनों पक्ष में एक शांतिपूर्ण हल खोजे जाने का समर्थन करता है। हालांकि भारत और इसराइल के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो चले हैं और मौजूदा सरकारों के बीच अविश्वसनीय तालमेल बन चुका है। भारतीय पीएम अभी हाल ही पिछले साल इसराइल के दौरे पर गए थे, जो कि दो दशकों से ज़्यादा समय के बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का इसराइल दौरा था, और इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी पीएम और भारत देश को अपना दोस्त कहा था, और इसी वर्ष इसराइल के पीएम भारत के दौरे पर आए थे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। इसराइल का महत्व इस वजह से भी बढ़ जाता है कि भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी बन चुका है। दोनों देश मिलकर बराक मिसाइल प्रणाली पर काम कर रहे हैं। इसराइल उन्नत कृषि के क्षेत्र में भी भारत को सहयोग कर रहा है, इस लिहाजे से भारत का पक्ष रखना इसराइल के लिए काफ़ी मायने रखता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में आबादी के लगभग 20% की मुस्लिम आबादी रहती है, जिस कारण फिलिस्तीन के विरुद्ध कोई भी कदम मुस्लिम आबादी को निराश करेगा, जो कि सरकारें कभी नहीं चाहेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत का खाड़ी देशों से काफ़ी प्रगाढ़ व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ता रहा है। खाड़ी के देशों में भारत के लोगों की काफ़ी आबादी कार्यरत है, और भारत तेल गैस के लिए भी इन्हीं खाड़ी देशों पर निर्भर है, तो इसलिए अरब देशों से कूटनीतिक रिश्ते भी भारत की मुख्य ज़रूरत है। वैसे भी भारत किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं होना चाहता है, इसलिए मुद्दे के निष्पक्ष हल पर जोर देता आया है। भारत का एंटी अमेरिका होकर वोटिंग करने के मायने। भारत हाल ही के सालों में विश्व पटल पर तेजी से उभरा है और एक सशक्त देश के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुआ है, जिसे बरकरार रखना उसके लिए एक चुनौती भी है। इसलिए भारत हमेशा ही बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था पर जोर देता आया है, तो एंटी अमेरिकन बिल पर भारत की प्रतिक्रिया को अरब देशों सहित कई देशों ने काफ़ी सराहना किया, और भारत को बहुध्रुवी विश्व के एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखना शुरू कर दिया है। और अब आगे क्या? कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने
पश्चिमी यरूशलेम को राजधानी घोषित कर आग में घी डालने का काम कर दिया है। बाकी के देशों सहित अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखने वाली बात रहेगी। जहाँ तक भारत का सवाल है तो उसे सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी और वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम करना होगा और बेहतर कूटनीतिक होने का परिचय देना होगा। आप आने वाले एग्ज़ाम के लिहाजे से इज़राइल, उसके आसपास के देश, समुद्र, नदी आदि की मैपिंग कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।